पहले जब आप स्केचअप फाइल ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें सर आपको सिंपली ये चुन लेना है, सिंपल इंचेस। जैसे ही आप स्केचअप ओपन करेंगे, स्केचअप ओपन होने के बाद आपके सामने इस तरह से कुछ हिस्सा ये इंटरफेस इसका दिखाई देगा। इस इंटरफेस में आप को यहाँ पे सबसे ऊपर मेनू बार है, ये मेनू बार है। उसके बाद टूल्स बार आता है। टूल्स बार में आपको सबसे पहले ये प्रिंसिपल टूल, इसके बाद नंबर दो पे आता है ये ड्राइंग टूल, ड्राइंग टूल्स। इसके बाद एडिट आता है, एडिट टूल बार, ये एडिट टूल्स है। इसके बाद ये व्यू टूल्स, व्यू टूल्स। हम आज आपको सबसे पहले टूल्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो सेलेक्ट टूल है। सेलेक्ट टूल का शॉर्टकट है स्पेस बार। स्पेस दबाते ही आपका सेलेक्ट टूल एक्टिव हो जाएगा। सेलेक्ट टूल से हम सेलेक्ट का काम करते हैं इस तरह। ओके, इसके बाद पेंट बकेट से पेंट भरने, किसी भी ऑब्जेक्ट में पेंट भरने का काम करते हैं। इरेज टूल है, इरेज टूल का शॉर्टकट ई है। ई से आप किसी भी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को इरेज कर सकते हैं। जैसे ये है, ये ऑफिस को इरेज कर दीजिए, इरेज हो गया। इसके बाद आ गए हम लाइन टूल, ड्राइंग टूल में। ड्राइंग टूल में सबसे पहले लाइन है। लाइन लाइन टूल से आप किसी भी लाइन का ड्राइंग बना सकते हैं। जैसे ये है लाइन, आपको लाइन खींचना है तो ये ले, इस तरह से आप किसी भी लाइन को बना सकते हैं। इसके लाइन का शॉर्टकट है एल, लाइन का शॉर्टकट कमांड एल है। इसके बाद आ गया है फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल से आप जैसे एक पेंसिल से, आप पेंसिल के तरह ही काम करना है इसको, जैसे फ्री हैंड को ये ला, इस तरह से आप फ्री हैंड कोई भी चीज़ फ्री होकर, फ्री हैंड टूल इसका नाम है ये। स्पेस बार दबाए, सेलेक्ट ऑल किए, डिलीट कर दिए इसको। इसके बाद आपको आ गया रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल से हम किसी भी रेक्टेंगल का निर्माण करते हैं। ये देखो, ये इस तरह से रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल का शॉर्टकट की आर है। आर प्रेस करते ही शॉर्टकट ये रेक्टेंगल एक्टिव हो जाता है। इसके बाद आ गया रोटेट रेक्टेंगल टूल। रोटेट रेक्टेंगल टूल की मदद से हम कोई भी किसी भी डायरेक्शन में रेक्टेंगल का निर्माण कर सकते हैं। जैसे अगर हमें रेक्टेंगल टूल बनाना है, ये लो रेक्टेंगल टूल हमें इधर से इधर बनाना है तो ये लो, इस तरह से बनेगा। इस तरह से ये रोटेट रेक्टेंगल का निर्माण आप कर सकते हैं। इसके बाद आ गया सर्किल। सर्किल सर्किल कमांड से हम किसी भी गोला को बना सकते हैं, गोले की आकृति को बना सकते हैं। इस तरह से गोला बन गया। सर्किल कमांड का शॉर्टकट की है सी। सी प्रेस करते ही ये सर्किल कमांड एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद आ गया पॉलीगॉन टूल्स। पॉलीगॉन टूल से हम इस तरह का कई भुजाओं वाला पॉलीगॉन बनाते हैं। ये इस तरह से पॉलीगॉन बनता है, पॉलीगॉन। इसके बाद आर्क। आर्क टूल से हम किसी भी आर्क को बनाते हैं। ये इस तरह से आर्क बना लिए, ठीक। इसके बाद हम आ गए टू पॉइंट आर्क। टू पॉइंट आर्क से हम टू पॉइंट
यानी दो जगह स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद सेंटर से इसको पुश कर देंगे इस तरह से। यहाँ क्लिक किए सेंटर में गए और इसको इस तरह से पुश कर देंगे, ये आर्क बन जाएगा। इसके बाद है थ्री पॉइंट आर्क से हम इसको तीन जगह इस तरह से, थ्री पॉइंट आर्क में तीन पॉइंट होता है इस तरह, थ्री पॉइंट आर्क। इसके बाद आता है पाई। पहले हम इन सब को डिलीट कर लेते हैं, सेलेक्ट ऑल प्लस टेल, डिलीट हो गया। अब इसके बाद पाई कमांड से हम किसी भी हाफ या किसी भी आधा गोला या वन थर्ड वन फोर्थ गोले को बना सकते हैं। ये है पाई, ये पाई का निर्माण कर लिए। ये हो गया ड्राइंग टूल। ड्राइंग टूल्स के सभी कमांड्स के बारे में हमने बता दिया। अब आप आ गए एडिट टूल। एडिट टूल्स में ऑब्जेक्ट को, जैसे ये सबसे पहले है मूव टूल। मूव टूल से हम किसी भी ऑब्जेक्ट, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं। ये जैसे ये हो गया सेलेक्ट। अब इसको हम एक जगह से दूसरे जगह मूव करना है अगर, तो हम मूव टूल का इस्तेमाल करेंगे। मूव टूल का शॉर्टकट एम है। एम प्रेस करते ही मूव टूल एक्टिव हो जाएगा और इसे पकड़ के हम एक जगह से दूसरे जगह रख सकते हैं इस तरह। इसके बाद पुश पुल कमांड का शॉर्टकट पी है। पी से सेलेक्ट करते ही, पी प्रेस करते ही ये पुश कमांड एक्टिव हो जाता है। पुश पुल कमांड से हम किसी भी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को उसकी शेप को बदल देते हैं, ऐसे इस तरह से इसको शेप, इसकी शेप को बदलते हैं। इसके बाद रोटेट कमांड है। रोटेट से हम किसी भी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं। जैसे ये कमांड है, अब इसे हमें रोटेट करना है। सेलेक्ट किए, इस तरह से हम इसे सेलेक्ट करके रोटेट करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में इसको रोटेट कर देंगे। इसके बाद फॉलो मी कमांड का यूज़ हम आगे वीडियो में बताएंगे। इसके बाद स्केल है। स्केल में किसी भी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को घटा या बढ़ा सकते हैं, इसकी लंबाई या चौड़ाई को कम कर सकते हैं। इस तरह से ये कम हो जाएगा या ज़्यादा करना है ज़्यादा, कम करना है तो कम कर लेते हैं। इसके बाद आ गया ऑफसेट। ऑफसेट से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई को इस तरह से कम करते हैं। डबल शेप में इसको बनाना है तो हम इसको कम कर लिए, इस तरह से ये कम हो जाएगा। एक अलग लाइन बन जाएगी, इस तरह से ऑफसेट का यूज़ करते हैं। ये हो गया एडिट टूल। एडिट टूल आपके समझ में आ गया होगा, ये एडिट टूल का काम है। ये व्यू टूल, व्यू में हम ISO, जैसे ये ISO है, ये टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू में आ गया। ये फ्रंट है, किसी भी ऑब्जेक्ट में हम आगे चल के इसको डिटेल से बताएंगे। ये टॉप, फ्रंट और ये राइट व्यू और ये बैक व्यू और ये लेफ्ट व्यू, इस तरह से इसमें चार छः व्यू दिए हैं। इनका अलग अलग व्यू, अलग अलग हर एक ऑब्जेक्ट को छः
तरह से इसमें देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।